खबर 9 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हमारी सभी न्यूज प्राप्त करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रिया। आइए नजर डालते आज की मुख्य खबरों पर। बढ़ते कोरोना संक्रमित मरीजों को देखते हुए प्रदेश सरकार ने सप्ताह में 2 दिन लॉकडाउन करने का दिशा निर्देश जारी, जिस क्रम में शनिवार और रविवार लॉकडाउन रहेगा। लॉकडाउन के दौरान शहर का निरीक्षण करने के लिए जिलाधिकारी पुलकित खरे निकले और शहर के विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण किया और लॉकडाउन का हाल जाना। इस दौरान उन्होंने संचारी रोग अभियान के अंतर्गत सफाई व्यवस्था भी देखी। कई जगह गंदगी देखकर नगरपालिका ईओ को निर्देश दिए शहर में कहीं भी गंदगी न दिखे, कूड़ा करकट डस्टबिन की जगह जगह की व्यवस्था की जाए। लॉकडाउन के पालन को लेकर लोगों से अपील की, जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकले, अन्यथा आप लोग अपने घर में ही रहें। शहर में कोरोना संक्रमण की संख्या लगातार बढ़ रही है। इस मौके पर उनके साथ नगरपालिका परिषद हरदोई अध्यक्ष सुख सागर मिश्र, मधुर अधिशासी अधिकारी रविशंकर शुक्ल भी मौजूद रहे। करने के लिए आज मेरे द्वारा औचक शहर का निरीक्षण करा गया है। इसमें शासन से मिले निर्देश के क्रम में लगातार मजिस्ट्रेट्स और पालिका के लोग मूवमेंट पर रहेंगे, साफ सफाई होती रहेगी है और जितनी भी जनता है उनको जो है घर पे ही रहने की एक अपील करी गई है। सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। मेरी भी हरदोई वासियों से यही अपील है कि कोरोना का दौर अभी जारी है, महामारी अभी खत्म नहीं हुई है। पिछले कई दिनों में बहुत ही तेज संख्या में हमारे यहाँ केसेस आए हैं, पॉजिटिव केसेस आए हैं। सभी हरदोई वासियों से निवेदन है कि अपने घरों में ही रहें, कोई बहुत ही बेहद ज़रूरी काम ना हो तो अपने घर से बाहर ना निकलें। 2 गज की दूरी का जरूर पालन कर रहे हैं और अपने मुंह और नाक हर हालत में मास्क से जरूर ढक कर रखें। हर व्यक्ति अगर इसमें योगदान करेगा तभी हम लोग इस कोरोना की महामारी से बच पाएंगे। यूपी के हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट। आज के लिए बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।